आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में WhatsApp अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करने पर आपको पेंडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट करने पर हमें शो होता है पेंडिंग, तो इसे कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर इसके लिए अब आप कैंसिल पे क्लिक करिए और कैंसिल पे क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर से बाहर आइए। तो अब उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आके यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करिए, उसके बाद ऊपर मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए और ये मैनेज ऐप्स आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम से हो सकता है, तो जिस नाम से आपके फ़ोन में ये आ रहा है इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद अब आपके फ़ोन के सारे ऐप आ चुके हैं। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आके यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर इस तरीके से। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करिए और अब यहाँ पर आने का दूसरा तरीका है, आप प्ले स्टोर के आइकन पे क्लिक करके रखिए, 1 से 2 सेकंड क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद आएगा ऐप इन्फो, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब नीचे फोर्स स्टॉप पे क्लिक करिए, उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। फोर्स स्टॉप करने के बाद ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, उसके बाद नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। क्लियर डेटा पे क्लिक करने के बाद आएगा क्लियर ऑल डेटा, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ओके करिए। ओके करने के बाद अब बैक आइए और आप यहाँ से अब बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, यानी कि बंद करके चालू करिए और चेक करिए आपके फ़ोन में नेट चालू है या नहीं। तो जैसे कि हम अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो अपने फ़ोन में नेट कनेक्ट करने के बाद या फिर नेट ऑन करने के बाद प्ले स्टोर ओपन करिए। ओपन करने के बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में WhatsApp अपडेट करने पर पेंडिंग प्रॉब्लम शो नहीं होगी। तो जैसा कि देख सकते हैं अपडेट पे हमने क्लिक किया तो अब ये अपडेट हो रहा है और हमें पेंडिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब देख सकते हैं पेंडिंग प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है, तो अब यहाँ पे ये अपडेट हो गया है। तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।